शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा आगे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों से नाराज थे शरद, अपनी किताब का विमोचन करने के बाद किया ऐलान। शरद पवार का फैसला सुनकर रोने लगे नेता और कार्यकर्ता, पवार से फैसला वापस लेने की अपील। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने लगाए शरद पवार महाराष्ट्र की बुलंद आवाज जैसे नारे, धनंजय मुंडे गिरे शरद पवार के चरणों में। ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर कसा तंज, कहा आने वाले दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र की सरकार, ये सरकार बिल्डरों और ठेकेदारों की है, केंद्र से सभी समर्थन गुजरात के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक अनोखी याचिका, अपराधी को फांसी नहीं बल्कि इंजेक्शन करंट और गैस चैम्बर से दी जाए सजाए मौत, केंद्र सरकार ने कहा फांसी से बहुत दर्दनाक मौत मिलती है, इसके लिए जल्द बनाएंगे कमेटी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ट्रांसजेंडर ने दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पीट पीट कर की हत्या, लिव इन रिलेशनशिप में थे दोनों ट्रांसजेंडर, पुलिस ने लिव इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब डीएनए फिंगरप्रिंट से प्रत्येक सैनिक की पहचान होगी संरक्षित, पुणे के प्लेटिनम जुबली समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने दी जानकारी, सिंह ने डीएनए प्रोफाइल तैयार करने का भी बताया तरीका। मुंबई में राजौदी बीच के पास फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़, मालिक समेत 45 गिरफ्तार, रिसोर्ट के अंदर रात में चलाया जा रहा था फर्जी कॉल सेंटर, ऑस्ट्रेलियाई बैंकों से की जाती थी धोखाधड़ी। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, बेटे तुषार गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी, अरुण ने अपने दादा दादी के जीवन पर लिखी कई सारी किताबें। फ्लोरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही लगातार धमकियों के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मुंबई से बेहतर नहीं कोई जगह, मुंबई पुलिस ने सलमान खान को दी वाई प्लस सुरक्षा। फैशन इवेंट मेट गाला में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड हसीनाओं ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, इवेंट में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने लुक से हर किसी को किया दीवाना, ब्लैक साड़ी में दिखा स्टनिंग लुक, ईशा के ग्लैमरस अंदाज ने एक्ट्रेस को भी छोड़ा पीछे।